मानसिक सदमे से लैंगिक कठोरता गायब होना, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मैं आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ। केस स्टडी ऐसी है कि एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उम्र अप्रॉक्सीमेटली 35-36 साल की होंगी। सेक्स लाइफ उसका अच्छा चल रहा था, मगर वो एक विवाह बाह्य संबंध में आया। वो औरत के साथ में उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते रहता था, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। जब वो औरत का हस्बैंड बाहर जाता था या कहीं बाहर गांव जाता था तो उस समय वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उसका होता था। अभी ऐसा चल रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत प्यार है करके, मगर पहचानती और शायद दोनों को भी वैरायटी चाहिए, इसलिए वो भी हो गया होगा। और ठीक चल रहा था, मगर ऐसा भी हनी ट्रैप का जो अभी कहते हैं ना आजकल की, बहुत ज़्यादा हो गया है प्रमाण, वैसे ही कम ज़्यादा इसके साथ में हुआ। वो औरत और वो हस्बैंड, शायद मतलब अभी इसका गेसिंग जो है वो है कि दोनों ने मिलके कांड किया या औरत ने कांड किया, पता नहीं क्या हो गया। तो मगर उसने, ये औरत ने उसको बुलाया जैसा हस्बैंड घर पे नहीं था तो, और उसने मोबाइल चालू करके कैमरा लगा दिया। अब कैमरा लगाने के बाद में सेक्स जब हो गया तो सेक्स पूरा वीडियो शूटिंग उसमें हो गया। उस समय तो वो औरत ने कुछ नहीं बोला, अब शायद वो औरत ने लगाया कि उसके हस्बैंड ने लगा के चले गया, उसके हस्बैंड को डाउट होगा या ये हनी ट्रैप था, इसके बारे में ये जो युवक मेरे पास में आया था कुछ नहीं बता सकता। तो फिर एक दिन बाद वो औरत का इसको फ़ोन आया कि ये जो कैमरा लगाया था ये मेरे हस्बैंड ने लगाया था और उसको डाउट था, उसने कैमरा लगाया, उसने वीडियो शूटिंग किया, आप जल्दी आ जाओ, हमारे दोनों की बहुत बहसबाजी चल रही है, दोनों बहुत झगड़े चल रहे हैं वगैरह वगैरह। जाने के बाद में हस्बैंड वाइफ दोनों भी बैठे हैं और ही जाने के बाद में वो हस्बैंड बहुत चिल्लाया कि तुम ऐसा कैसा कर सकते हो वगैरह, तुमको रंगे हाथ मैंने पकड़ लिया, अब तुम्हारा नाम ख़राब कर दूंगा, इसकी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट है और सोसाइटी में भी अच्छा स्थान है, फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि मैं तो ये तुम्हारा नाम बदनाम करूँगा, हमारा नाम बदनाम हुआ तो चलता है, अभी करना क्या। तो इसने बोला कि ठीक है आप जो बोलेंगे वो, तो बोले आपको कम से कम 1 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। अब इसका तो चक्कर आने लगे, उसके तो होश ही मतलब खो बैठे कि भाई 1 करोड़ रुपये कहाँ से देना। फिर बात करते करते 50 लाख के ऊपर बात सेटल हो गई और 50 लाख आप कुछ भी करो जल्द से ले, आज कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला, टोकन अमाउंट दो। तो उसने इधर उधर से अभी दोस्तों को भी बोले तो क्या बोले, लोगों को भी बोले तो क्या बोले, पैसे काय के लिए होना, घर पे बताऊँ तो कैसा बताऊँ, किसके पास मैं जाऊँ। और फिर उसने 10 लाख की व्यवस्था कर दिया और उनको 10 लाख दिया टोकन अमाउंट और बोले आप इसका कुछ मत करो, ये वीडियो वायरल मत करो, पुलिस में मत जाओ, कुछ भी मत करो। वो औरत बोली कि भाई मैं अभी जब मेरा हस्बैंड जाएगा पुलिस में तो मैं बयान दूंगी कि ये मेरे घर में घुसा और इसने अत्याचार किया। मतलब वो औरत पलट गई, के साथ 1 साल से उसके साथ में इसका संबंध था। वो तो बोले कि मैं तो, मेरे घर में रहना है मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मैं कैसा बोलूँगी कि नहीं नहीं मेरा प्यार था या मैं 1 साल से ऐसा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर औरत ने जब उल्टा जवाब देना, मतलब देंगी वो पुलिस में, तो फिर तो इसके ऊपर पलटने वाली है। यदि औरत बोलती है कि नहीं मेरा प्यार है और मैंने उसको एंट्री दिया और पकड़े गए तो भी ठीक है, अभी औरत ही पलट गई है वो लेडी, उसने 10 लाख जमा कर दिए और बाद में मतलब एक्चुअली उसने आगे आने वाले 1 महीने में उनको पूरे 40 लाख बचे हुए दिए। हुआ क्या कि ये जो वीडियो उसने देख लिया, उसका सदमा उसके दिमाग में इतना ज़ोर से बैठ गया, इतना ज़ोर से सदमा आ गया, वो वीडियो खुद का देख रहा है और वो सेक्स हो रहा है, उसको इतना सदमा बैठ गया और ये सब पूरी घटना हुई, कोई 50 लाख देना पड़ा, उसका सेक्स ही गायब। मतलब वो बोले कि मैं पहले रेगुलरली सेक्स मेरी पत्नी के साथ में करता था, अभी मेरे ना पत्नी के साथ में करने की इच्छा हो रही है ना सेक्स के विचार आ रहे, इतना सदमा बैठा है कि बोले मैं रात में सपने में उठ जाता हूँ, एकदम अचानक नींद खलास हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, सवेरे उठ जाता हूँ और कुछ कुछ बहुत भयानक सपने आते हैं और बहुत प्रेशर है और मैं क्या करूँ। अच्छा, अभी जब सेक्स नहीं कर रहा है पिछले 2-3 महीने से अपने पत्नी के साथ में, तो उसको भी डाउट आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, अभी इसको ये कुछ बाहर तो नहीं लग गया, कुछ क्या हो रहा है क्या, और वो पत्नी के साथ में भी सेक्स करने में अक्षम हो गया। अभी देखिए, सेक्स के लिए लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक कारण है कि भाई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फिर तंबाकू की लत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दवाइयाँ चालू है या और कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी है, उसके वजह से सेक्स नहीं आ रहा भाई या टाइटनेस नहीं आ रहा है। अभी ये सदमा जब ऐसा हो जाता है तो भी सेक्स गायब हो जाता है, लैंगिक कमजोरी आती है।
लैंगिक कमजोरी के और उदाहरण जैसे है कि भाई सेक्स करते करते आप पकड़े गए, तब से सेक्स गायब हो जाता है, जैसे ये पकड़े गए, या कोई अंदर आ गया दरवाजा खोल के, या बच्चों ने देख लिया, या फिर बहुत बड़ा मतलब फाइनेंशियली लॉस है, बिजनेस में लॉस है, डिप्रेशन आया हुआ है उसकी वजह से, इसकी वजह से मतलब ये कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से लैंगिक कमजोरी आती है। मतलब सेक्स के विचार ही आते नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि सेक्स में क्या है कि पहले कौन सा आता है विचार, मतलब पहले क्या होता है, सबसे पहले आते हैं विचार सेक्स के, और विचार कैसे आते हैं, बाहर से पंचेंद्रिय से अंदर इनपुट जाता है, कुछ ना कुछ टीवी पे देखेगा, कुछ सुनेगा, कुछ औरत को देख लिया या कुछ सोच लिया, ऐसे विचार आते हैं सेक्स के, या फिर अंदर ही अंदर बिना कुछ वजह से भी विचार सेक्स के आ सकते हैं, वहाँ से इमोशंस तैयार होते हैं, और वहाँ से फिर नर्वस स्टिमुलेशन, नर्व स्टिमुलाई, नर्व इम्पल्सेस पास होती है, और पेनिस में बहुत बड़ा ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, कम से कम 100 ml से लेकर 200 ml तक पेनिस में लिंग में ब्लड अंदर घुस जाता है, और जैसा स्पंज बड़ा होता है वैसा वो लिंग बड़ा हो जाता है, और जैसे ही फॉल हो जाता है वैसा वो ब्लड वापस आ जाता है। अब जब दिमाग में वो सेक्स के विचार ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, तो फिर आगे का कुछ नहीं होगा। यहाँ दवाई भी कुछ काम करती नहीं है, क्योंकि सिल्डानाफिल और टाडालाफिल, वर्दानाफिल, अवेनाफिल जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ तभी काम करती है कि पहले सेक्स के आपके दिमाग में विचार है, इंटरेस्ट है, सेक्स विचार ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो ये दवाइयाँ इंटरेस्ट और विचार नहीं पैदा करती। उसको मैंने काउंसिलिंग किया, 2-4 सेशंस लगे उसका, वो सदमा निकालने के लिए, वो कंडीशनिंग निकालने के लिए। मैंने बोला कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये धीरे धीरे होगा, इतना ज़ोर से झटका बैठा हुआ है दिमाग में कि निकलने को टाइम लगेगा। फिर उसको दवाइयाँ भी दी, साथ साथ डिप्रेशन की दवाई दिया, एंटी डिप्रेशन भी दिया, काउंसिलिंग किया, और धीरे 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 वो उससे बाहर आ गया, उसका लाइफ नॉर्मल हो गया। कहने की बात ऐसी है कि ऐसा सदमा हो सकता है, और अभी ये इस तरह के जो प्रकरण है वो काफ़ी सामने आ रहे हैं कि भाई फ़ोन कॉल्स आते हैं। अभी मुझे ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ही एक कॉल कंटिन्यूसली आ रहा था, लेडी का आवाज़ आ रहा था कि आप साइकेट्रिस्ट हो और आप मुझे कॉल करो, ऐसा वैसा। मैंने भी देखा 1-2 बार 3 बार कॉल आ रहा है, कट कर रहे, कॉल आ रहा कट कर रहे, व्हाट्सएप कॉल आ रहा कट कर रहे। फिर मैंने बोला ये ब्लॉक कर दो, भी ये गड़बड़ वाला कार्यक्रम है, मैंने वो ब्लॉक कर दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि काफ़ी ऐसा बार होता है, हनी ट्रैप में एक तो अटका देते हैं, अभी कुछ हमारे पास में ऐसे प्रकरण आए कि लेडी ने कॉल किया, वीडियो कॉल करने लगाया, वीडियो कॉल करके अच्छी अच्छी बातें किया, बोले वीडियो सेक्स करेंगे, उसने खुद ने अपने कपड़े उतारे, वो व्यक्ति को उसके कपड़े उतारने के लिए बोला, और उसको मास्टरबेशन करने के लिए बोला, और उसका पूरा उसने वीडियो खींच लिया। जैसे ही ख़त्म हो गया कॉल, उसके बाद में उसने तुरंत उसको व्हाट्सएप करके सब फोटो भेज दी, और बोले अभी ये वीडियो में वायरल कर देने तो इतने रुपये जमा करो खाते में। तो भी ऐसे कोई भी अननोन नंबर नहीं लेना है, वीडियो कॉल नहीं करना, और इस तरह के कोई भी ट्रैप में आने का नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको वायरल करो, बहुत लोग इसमें फंस रहे हैं, लोगों की जो चीटिंग है वो कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डानाफिल, मतलब वायग्रा, टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना, और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है, और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है, जो काम का है, वो है गोल्ड है इसमें, गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।